23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके दो दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत माँ के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये तीन भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइज, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन तीन सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये दो लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में। कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्यवाही के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है, और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था, तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने दो अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी, तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुनके भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो, तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है, तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुनके आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हाँ गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी माँ के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुनके आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।